अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू किचन पार्लर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज किचन पार्लर में बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट केक बनने जा रहा है, वो भी बहुत ही ईजी इंग्रीडियंट्स के साथ। आप लोगों ने मुझे बड़ी फरमाइशें की थी चॉकलेट केक की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए, वो भी बहुत ईजी चॉकलेट केक। तो चलते हैं इसके इंग्रीडियंट्स की तरफ। एक कप मैंने मैदा लिया है, हाफ कप मैंने चीनी ली है, हाफ कप ही मैंने दही लिया है, हाफ कप दूध, 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। अब इन चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले मैं चीनी, दही, ऑयल और दूध डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, यानी सारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर वगैरह मिक्स करूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा छान के मिक्स किया करें ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। ये मैदे को मैं अच्छी तरह छान लूँगी, इसी तरह कोको पाउडर को भी छान लूँगी और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को भी डाल के अच्छी तरह छान लूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरह मैंने छान लिया। अब मैं इन्हें स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी। ये देखें अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसे मोल्ड में निकालूंगी। तो अब देखें मैंने एक ये मोल्ड ले लिया मेरे पास था, मैं इसको ऑयल से ग्रीस करूंगी। मैंने सोचा आज आपको बगैर बटर पेपर के भी तरीका बताऊं कि कैसे करना है। अच्छी तरह मैं इसे चारों साइड से ऑयल से ग्रीस कर लूंगी। अगर आपके पास इस तरह का पैन नहीं, आप कोई भी शेप का पैन ले लें, राउंड में कोई भी। ये अच्छे से ग्रीस हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करके पूरे पैन पर उसकी कोटिंग कर लूँगी। अगर बटर पेपर ना हो तो आप ये तरीका आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखें इस तरह इसको मैं चारों तरफ से इसको कोट कर लूँगी। तो ये देखें मैंने तैयार कर लिया अपना मोल्ड। अब मैं इसमें बैटर निकाल लूँगी। इसको मैं मोल्ड में निकाल लिया और मैं इसको डबल टैप करूँगी। इससे क्या होता है इसके अंदर जो बबल्स होती हैं वो निकल जाती हैं। इस केक को स्टीम करना है तो क्या करूँगी, मैं इसको फॉइल पेपर से अच्छी तरह कवर कर दूंगी। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप किसी भी स्टील की या सिल्वर की प्लेट से इसको अच्छी तरह कवर कर दें। देखिए मैंने ऐसे कवर कर दिया। अब मैं इसे पैन में रखूंगी। मैंने एक पैन लिया, उसमें तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी डाला है और उसे मैंने बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें कोई सा भी स्टैंड रख दूँगी और उसमें हम ये केक का मोल्ड रख के इसको 30 से 40 मिनट के लिए मैं स्टीम करूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक केक हमारा स्टीम हो रहा है हम उसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। मैं आपको झटपट सी चॉकलेट सॉस की रेसिपी बताती हूँ जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 कप मैंने पानी लिया, 1 कप चीनी और 6 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है। अब मैं इन्हें पकाऊंगी। एक पैन में मैं चीनी डालूंगी और पानी डालूंगी और इसे तब तक पकाऊंगी जब तक चीनी अच्छी तरह हल ना हो जाए। चीनी डिज़ोल्व हो रही है तब तक मैं क्या करूँगी, कोको पाउडर को अच्छी तरह छान लूँगी। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कोई गुठलियाँ ना बने, स्मूथ सी हमारी सॉस बने। तो ये देखिए मैंने अभी इसे छान लिया। अब मैं उसे इसमें मिक्स करूँगी। तो ये देखिए चीनी अच्छी तरह हल हो गई। अब मैं इसमें जो छना हुआ कोको पाउडर है वो डाल दूँगी और चम्मच मार के इसको अच्छी तरह हम पकाएँगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं इसे पकाऊंगी तब तक जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, सॉस की फॉर्म में ना आ जाए। तो ये देखें हमारी चॉकलेट सॉस कितनी ज़बरदस्त सी झटपट सी रेडी हो गई है। ना कोई ऑयल डला, ना कोई चॉकलेट, ना कोई क्रीम, और जब ज़बरदस्त सी मिनटों में हमारी चॉकलेट सॉस रेडी हो गई। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी और बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखें हमारी चॉकलेट सॉस ठंडी हो गई और कितनी ज़बरदस्त ये सॉस बनी है।
तो देखें, हम देखते हैं हमारा केक रेडी हो गया बड़े एहतियात से। ये देखें टूथपिक क्लीन निकली, इट मीन्स हमारा केक रेडी हो गया हुआ है। मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये देखें मैंने 10 से 15 मिनट केक को ठंडा कर लिया, अब मैं इसे मोल्ड से निकाल लूँगी। ये देखें मोल्ड से मैंने निकाली है, कितना ज़बरदस्त बना है। इसको भी मैं 5 मिनट के लिए ठंडा करूँगी, फिर हम इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डालेंगे। तो ये देखें अब जो मैंने चॉकलेट सॉस बनाई थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट केक जिसे मैंने स्टीम किया है कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, किचन पार्लर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।